और अब रायपुर से खबर बता रहे हैं। रायपुर में दरअसल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 55वीं पुण्यतिथि आज मनाई गई। पुण्यतिथि पर कई सारे कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नेहरू और नया भारत विषय पर छत्तीसगढ़ की जनता के नाम संदेश देंगे और मुख्यमंत्री के संदेश का आज रात 8 बजे आकाशवाणी केंद्रों सहित FM रेडियो में प्रसारण किया जाएगा। सुबह 11 बजे राजीव भवन में नेहरू के भारत पर विषय पर भी व्याख्यान होगा। और इसके अलावा क्या कुछ खास आज रहने वाला है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हेमंत शर्मा, माफ कीजिए लाइव हमारे साथ जुड़े हेमंत। हेमंत, क्या जानकारी मिल पा रही है आज दिन भर में छत्तीसगढ़ में क्या खास रहने वाला है? प्रधानमंत्री नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 55वीं पुण्यतिथि है और इसको लेकर कई कार्यक्रम यहाँ पर कांग्रेस के अलावा अलग अलग संगठनों के द्वारा आयोजित किए जाएंगे। और साथ ही जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो आज नेहरू और नया भारत विषय पर जनता के नाम संदेश देंगे। उनका ये जो प्रसारण है वो आकाशवाणी के सभी केंद्रों में, इसके अलावा FM रेडियो में प्रसारित होगा। रात 8 बजे इसका प्रसारण किया जाना है। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस द्वारा एक नेहरू के नए भारत विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रसिद्ध लेखक और विचारक पुरुषोत्तम अग्रवाल इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस व्याख्यान में शामिल होंगे। 11 बजे का यह समय है और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और इस सभी जो चीजें हैं, नेहरू ने क्या योगदान भारत के लिए दिया था और क्या क्या हो सकता था, सभी चीजों जो नेहरू जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए किया था और जिस तरीके से वहां पर भारत को आजाद भी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो सभी चीजों को प्रकाश डाला जाएगा और 11 बजे व्याख्यान का आयोजन होगा। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो आज सीधी जिले के चुरहट के दौरे पर रहेंगे। वो आज रायपुर से दोपहर 2 बजे रवाना होंगे और फिर स्थानीय कार्यक्रम में वहाँ शामिल होंगे सीधी जिले के चुरहट में। उसके बाद देर शाम 6 बजे वो राजधानी रायपुर वापस आएंगे। इसके अलावा आज कई नेताओं से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की रायशुमारी हो सकती है। जिस तरीके से 11 लोकसभा सीटों में 9 सीटों में करारी हार कांग्रेस को मिली है और वो भी सरकार में रहते हुए, तो कहीं ना कहीं ये काफी चिंता का विषय है। और ऐसे जगहों पर हार कांग्रेस को मिली है, चाहे वो रायपुर की मैं बात करूं चाहे दुर्ग की बात करूं, ये दोनों ऐसी जगह हैं जहां पर 3.5-3 लाख का अंतर है। प्रमोद दुबे 3.5 लाख वोट से हारे, प्रतिमा चंद्राकर दुर्ग विजय बघेल से 3.5 लाख वोट से हार गई, तो ये काफी चिंता का विषय है बुसरा। और इसीलिए आज राजकुमारी भूपेश बघेल कुछ नेताओं से कर सकते हैं और हार की समीक्षा, अनौपचारिक हार की समीक्षा आज हो सकती है। हालांकि बैठक कर समीक्षा की जाने की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कही है। और इसके अलावा नए PCC अध्यक्ष की मांग अब लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से लौटे, उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं पहले ही राहुल गांधी के पास ये मंशा जता चुका हूँ कि मैं एक पद में ही रहना चाहता हूँ, और हालांकि उसका जो फैसला है वो आलाकमान करेगा। अब इसमें सवाल यही है कि कब तक जो नए PCC अध्यक्ष हैं वो बन जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी मंशा जता दी है कि वो पहले ही कह चुके हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष पद में बने रहना नहीं चाहते। हालांकि इस्तीफा उन्होंने नहीं सौंपा है, क्योंकि ऐसी खबर आ रही थी कि इस्तीफा वो सौंप सकते हैं जिस तरीके से CWC की बैठक वहां पर हुई थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं सौंपा है। लेकिन पहले ही उन्होंने मंशा जता दी है कि वो प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने नहीं रहेंगे। हालांकि कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष, इन नामों का पैनल वहां पर जाएगा, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि नए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन होंगे। जी, इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि भूपेश बघेल आज दिल्ली से लौट रहे हैं, तो आज उनके इन कार्यक्रमों के अलावा और कोई विशेष कार्यक्रम?
देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दिल्ली से लौट गए थे, देर शाम वो दिल्ली से लौटे हुए थे और आज उनके अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो एक तो पहला उनका कार्यक्रम सुबह 11 बजे जिस पुण्यतिथि है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, उसमें एक व्याख्यान होना है नेहरू के नए भारत विषय पर, उसमें वो शामिल होंगे और उसके बाद वो सीधी जिले के चुरहट जाएंगे। यही उनका दो कार्यक्रम है। इसके बाद उनका जो जनता छत्तीसगढ़ की जनता का नाम के नाम पर जो संदेश उन्होंने दिया है नेहरू और नया भारत विषय पर, उसका प्रसारण आज रात पे जो हो जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात की जाए तो सभी चीजों दौरे के आने के बाद वो अपना कामकाज सीएम हाउस में ही संभालेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली खबर ग्वालियर से बता रहे हैं, दरअसल गुजरात